अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं जी चनों का पुलाव। और चनों के पुलाव के लिए जो हमें चाहिए वो है जी, सबसे पहले हमने लिया है 1 कप ऑयल का, छोटा कप। उसमें हम डाल देंगे जी 2 बड़े साइज़ के प्याज। तो जिस तरीके से बताऊंगी इसी तरह इसको फॉलो करें और इंशाल्लाह आप देखना बहुत ज़बरदस्त आपका चने वाला पुलाव बनेगा। देखो इन प्याज को हमने करना है जो ब्राउन, डार्क ब्राउन, ठीक है। ये अच्छे से इसको ब्राउन करना है ताकि चावलों का कलर अच्छा आए। चनों को मैंने बॉईल कर लिया है। 1 किलो चावल है और 1/2 किलो मैंने इसमें चने डाले जी। ये देखें ये इतने ब्राउन हो गए। अब हम ना इसमें डाल देना लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको ना ब्राउन ही करते हैं ज़्यादा, फिर ही ये इसका अच्छा कलर आता है चावलों का, बिल्कुल देख की तरह। ये हमने 3 चम्मच डाल दिए लहसुन अदरक के पेस्ट के। और इसको भी हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे जी ये मसाले हैं इसके, कुछ सूखा धनिया पिसा हुआ, काली मिर्च है, दादर मिर्च है, काली मिर्च है, और ये है जी गर्म मसाला। यहाँ पर जी टमाटर और नमक मिर्च डालेंगे। इनका ना बड़ा प्यारा सा कलर आता है जब हम इसको ब्राउन करेंगे ज़्यादा जी। अब हम ना इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी मैंने वही लिया जो चने का पानी होता है। इसको हम मिक्स करेंगे, इसका थोड़ा कलर निकालेंगे। ये देखिए ये कलर इसका बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसमें डाल देने हैं जी टमाटर, ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। इनको भी हम डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और मैंने 2-3 हरी मिर्च भी बीच में काट के डाल दी। और इसमें हम डालेंगे जी नमक मिर्च। इसमें जाएंगे 2 चाय के चम्मच भर के। फिर वो बाद में आप देख लें कम ज़्यादा होगा तो फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जाएगी जी कुटी हुई मिर्च, बड़ा प्यारा सा कलर लग रहा है ना, और देखने में भी प्यारा ही लग रहा है, ठीक है। अब हम डाल देना इसमें गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला डाल के हमने इसको अच्छे से करना मिक्स। थोड़ी सी हल्दी भी डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं डालिएगा, बिल्कुल 1 चुटकी, ठीक है। 1 चुटकी हल्दी की, ज़्यादा नहीं डालनी। तो इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसको रखेंगे जी 5 मिनट के लिए। लाइट हमारी चली गई है और ये देखें ये मैंने इसको रख दिया 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसमें हम चने डालें जी। ये देखें मसाला हमारा हो चुका है। अब हमने डालने हैं इसमें चने, घी अलहदा हो गया। इसको आप थोड़ा सा कर लें कि ये टमाटर जो है ना इसमें नरम हो जाए। तो ये देखें ये सारा मसाला बड़ा अच्छे से हो गया नरम। अब हम इसमें चने डालेंगे। इसको अच्छे से हम निकाल लेना मिक्स। ये बड़े ज़बरदस्त से चने वाले चावल आपके बनेंगे अगर आप इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। और इसमें डालेंगे 1 और 2
चम्मच दही के, ठीक है। इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखें जी, अब हमने इसमें डाल देना पानी, जो चनों का पानी है ना वही पानी हमने इसमें डालना है, ठीक है। एक एक किलो चावलों के लिए जितना पानी, ये देखिए, ठीक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी। और अभी हम इसको रखेंगे, जब ये बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। ये देखें जी, चावल अब हम डालने लगे हैं। पानी हमारा बॉयल हो चुका है चनों वाला, और ये हमने चावल डाल दिए अंदर, ठीक है। और अच्छे से इसको कर लेना मिक्स। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये, ऐसे जैसे देख के चावल होते हैं। हाँ जी, ये देखिए पानी हमारा हो गया खुश्क। अब हम इसको लगा देंगे दम पे, और 10 मिनट के लिए फिर हम आपको दिखाते हैं क्या रिज़ल्ट इसका। जी ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये दम हमने खोल दिया। चावल आप चेक कर लें, ये देखें दाना दाना है चावलों का, और सारे चावल ज़बरदस्त से हो चुके हैं। ये देखें, ये चावल बहुत मज़े के बन गए हैं। ये देखिए चावल चनों वाला पुलाव तो बहुत ही मज़े का बनता है। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना, बड़ा ज़बरदस्त बना है जी। ये देखें चावल हमारे रेडी हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और ये रायता है चावल है, और आप भी इसी रेसिपी के साथ बनाएंगे। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह।